हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रा फ्लोर। मेरा मकसद सभी लोगों तक हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स की नॉलेज पहुंचाना है, जो या तो आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, या उसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, मोबाइल हाइड्रोलिक्स। दोस्तों, हाइड्रोलिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, एक का नाम है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक और दूसरा मोबाइल हाइड्रोलिक्स। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल हाइड्रोलिक्स के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है। हाइड्रोलिक्स एक साइंस की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करने के लिए फ्लूइड को पाइप्स में से ट्रैवल करना पड़ता है। बात करते हैं मोबाइल हाइड्रोलिक्स की। मोबाइल हाइड्रोलिक्स किसको कहते हैं? मोबाइल हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हाइड्रोलिक्स का यूज़ मोबाइल मशीनरीज में किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, एग्रीकल्चर मशीनरीज, रोड क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, क्रेन्स, लोडर्स एक्सेट्रा। दोस्तों, मोबाइल हाइड्रोलिक्स में भी पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ तो पंप्स का ही किया जाता है, लेकिन उन पंप्स को घुमाने के लिए या तो डीसी मोटर या इंजन का सहारा लेना पड़ता है। हाइड्रोलिक पंप रिजर्वर से ऑयल को खींच के हाइड्रोलिक वॉल्व को सप्लाई करता है, और वही हाइड्रोलिक वॉल्व आगे हाइड्रोलिक एक्चुएटर को सप्लाई करते हैं। दोस्तों, मोबाइल हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक्स को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं और हम उनको कैसे फेस करते हैं। पहला चैलेंज है इनपुट पावर, और ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है क्योंकि मोबाइल हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक सिस्टम एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड होता है, जिसकी वजह से एसी पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती और हमें उसका सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना पड़ता है, जो कि है डीसी पावर सप्लाई। और यहाँ पे हमें एसी मोटर की जगह डीसी मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन डीसी मोटर का इस्तेमाल वहीं किया जा सकता है जहाँ पे इनपुट पावर काफ़ी कम रिक्वायर्ड है, लेकिन जहाँ पे इनपुट पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल हाइड्रोलिक्स में दूसरा बड़ा चैलेंज है हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट। हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट होगा उतना ही व्हीकल का वेट बढ़ता जाएगा, और व्हीकल का वेट बढ़ने की वजह से व्हीकल की फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है और वियर एंड टीयर भी बढ़ जाता है, जिसका हमें लॉन्ग रन में ख्याल रखना पड़ता है। मोबाइल हाइड्रोलिक्स में तीसरा बड़ा चैलेंज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का साइज। मोबाइल व्हीकल के ऊपर जगह की कमी होने के कारण सिस्टम को जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जिससे सिस्टम का साइज और वेट दोनों कम हो जाते हैं। इसीलिए वहां पर कॉम्पैक्ट वॉल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कार्ट्रेज वॉल्स और मोनोब्लॉक, जो कि वेट में काफी कम होते हैं और काफी कम जगह लेते हैं। दोस्तों, चौथा बड़ा चैलेंज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम को डस्ट प्रूफ बनाना और उसको कंटेमिनेशन से बचा के रखना। वैसे तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को डस्ट प्रूफ ही होना चाहिए, लेकिन मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम में और भी ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम हमेशा आउटडोर डस्ट में ही रहता है। इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम को डस्ट प्रूफ बनाना मस्ट हो जाता है। इससे ऑयल में कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और मशीन में हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। पांचवा बड़ा चैलेंज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेजेस। लीकेजेस कहीं से भी हो सकती हैं, फिटिंग से, होजेस से, कहीं भी ओरिंग से, और लीकेजेस का मतलब होता है प्योर एनर्जी लॉस, जिसको हमें कम से कम रखना होता है। दोस्तों, मोबाइल हाइड्रोलिक्स में लीकेजेस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मोबाइल मशीनरी में वाइब्रेशंस होने के कारण लीकेज की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जगह पे लोकल फिटिंग्स लगे होने के कारण नई मशीन्स में भी लीकेज आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा हाइड्रोलिक सिस्टम में अच्छे और रिप्यूटेड ब्रांड की फिटिंग्स यूज करनी चाहिए, और हाइड्रोलिक सिस्टम में जहां भी ओरिंग या सील्स का इस्तेमाल किया गया है उन सभी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं मोबाइल हाइड्रोलिक से जुड़ी हुई कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि हाइड्रोलिक क्रेन। हाइड्रोलिक क्रेन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगा होता है, जो कि भारी से भारी लोड को उठाने में सक्षम होते हैं। आपने ये क्रेन्स अक्सर रोड्स के ऊपर देखी होंगी। एक और ऐसा एग्जांपल है लोडर्स। लोडर्स कई तरह के होते हैं, जैसे बैको लोडर, शुगर केन लोडर्स, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है ये भी एक तरह के लोडर ही है। और एक एग्जांपल होता है फोरक्लिफ्ट्स। फोरक्लिफ्ट्स किसी भी फैक्ट्रीज में और प्लांट्स में मटेरियल हैंडलिंग के काम में आती हैं। अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि गेहूं की कटाई में काम आते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रोड क्लीनिंग इक्विपमेंट, सीमेंट मिक्सर, स्काई लिफ्ट्स और कंक्रीट पंप। दोस्तों, ये तो थे कुछ मोबाइल मशीन्स के एग्जांपल। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स इन मोबाइल मशीन्स में यूज किए जाते हैं। इसमें जो आइटम्स हम कवर करेंगे वो हैं क्लोज लूप पंप्स, मोबाइल वॉल्स, कार्ट्रेज वॉल्स, एयर कूल्ड टाइप हीट एक्सचेंजर्स, हाइड्रोलिक मोटर्स और डीसी पावर पैक्स। सबसे पहले आपको बताते हैं क्लोज लूप पंप्स, या फिर क्लोज लूप एक्सल पिस्टन पंप्स कहना बेहतर रहेगा। क्लोज लूप एक्सल पिस्टन पंप्स ओपन लूप एक्सल पिस्टन पंप से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओपन लूप एक्सल पिस्टन पंप्स रिजर्वायर से ऑयल को सक करते हैं और सिस्टम को डिलीवर करते हैं, लेकिन क्लोज लूप एक्सल पिस्टन पंप्स में बिल्कुल अलग होता है।
इन पंप्स में सक्शन पोर्ट तक ऑयल को पहुंचाने का काम चार्जिंग पंप करता है। जी हाँ, इन पंप्स में एक एक्स्ट्रा पंप लगा होता है जिसको चार्जिंग पंप कहते हैं, जो कि ज़्यादातर गियर पंप होता है और वो एक्सेल पिस्टन पंप के सक्शन में पॉजिटिव सक्शन बनाए रखता है। जो भी ऑयल एक्सेल पिस्टन पंप हाइड्रोलिक सिस्टम को डिलीवर करता है वो टैंक में रिटर्न ना जाके पंप में ही रिटर्न आता है और इसी प्रोसेस को क्लोज लूप बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए चार्जिंग पंप का एक और काम होता है और वो ये होता है कि चार्जिंग पंप रिटर्न आने वाले ऑयल में से 10% ऑयल को टैंक में भेजता रहता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर होती रहती है और ऑयल ज्यादा हीटअप नहीं होता। अब चलते हैं हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स में नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको मोबाइल वाल्व्स कहते हैं। मोबाइल वाल्व्स हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर या हाइड्रोलिक मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। मोबाइल वाल्व्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और साथ ही में एक और खासियत ये भी होती है कि इन्हीं वाल्व्स के साथ में कई सारे वाल्व अटैच किए जा सकते हैं और इन वाल्व्स के ऊपर कई सारे वाल्व लगाए भी जा सकते हैं, जैसे कि एडिशनल रिलीफ वाल्व्स, एंटी कैविटेशन वाल्व्स। इस तरह कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने वाल्व के अंदर। मोबाइल वाल्व्स को भी कई तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और उसके टाइप्स हैं मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, सोलेनोइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। दोस्तों, अब आते हैं हाइड्रोलिक्स में नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसका नाम है कार्ट्रिज वाल्व। कार्ट्रिज वाल्व हाइड्रोलिक्स में सबसे सुपीरियर क्वालिटी के वाल्व माने जाते हैं और ये वाल्व बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, साथ ही में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। इन वॉल्व को यूज करने के लिए हाइड्रोलिक मैनिफोल्ड के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है और कार्ट्रिजेस भी दो तरह की आती हैं, एक स्लिप इन टाइप कार्ट्रिजेस और दूसरी स्क्रू इन टाइप कार्ट्रिजेस। कन्वेंशनल वॉल्व की तरह कार्ट्रिज वॉल्व भी अलग अलग साइज और फंक्शंस में आते हैं, जैसे कि प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व, सीक्वेंस वॉल्व, काउंटर बैलेंस वॉल्व और कई तरह की कार्ट्रिजेस भी आती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर्स भी एक तरह की एक्चुएटर ही होती हैं, जो कि किसी भी तरह के लोड को रोटरी मोशन देने में मदद करती हैं। ये मोटर्स बाईडायरेक्शनल होती हैं और अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग साइज में आती हैं। अब आते हैं मोबाइल मशीन्स के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको कहते हैं ऑयल कूलर। जी हाँ, मोबाइल मशीन्स में ऑयल काफी गर्म होता है, इसके लिए ऑयल कूलर लगाना पड़ता है। तो जो ऑयल कूलर मोबाइल मशीन्स में लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं एयर कूल्ड ऑयल कूलर्स। इन ऑयल कूलर्स को लगाने का मेन पर्पस ऑयल को ठंडा रखने का ही होता है। इन कूलर्स में ऑयल को ठंडा करने के लिए पतले पाइप्स में से गुजारा जाता है और हवा की मदद से उसको ठंडा किया जाता है। ऑयल कूलर का साइज हीट लोड और फ्लो पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा फ्लो और हीट लोड होगा उतना ही बड़ा ऑयल कूलर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हाइड्रोलिक कंपोनेंट पे, जिसका नाम है डीसी पावर पैक। इन पावर पैक्स का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर एसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और डीसी मोटर लगे होने के कारण बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इन पावर पैक्स का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे हाइड्रोलिक सिलेंडर की स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती और ये सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कई तरह के आते हैं। इन पावर पैक्स का ड्रॉबैक होता है इनकी मोटर की ड्यूटी साइकिल, इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली ज्यादा देर तक नहीं चलाए जा सकते। तो दोस्तों, इन सभी इक्विपमेंट्स के अलावा मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे और इक्विपमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, जो कि एक हाइड्रोलिक सर्किट पर डिपेंड करता है। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम आने वाली वीडियोस के अंदर और डिटेल में स्टडी करेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स की पूरी जानकारी नहीं है तो आप बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के किसी भी इक्विपमेंट को सिलेक्ट ना करें और ना ही किसी लगे हुए इक्विपमेंट को खोलें, क्योंकि ये किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक या किसी वॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको आने वाली वीडियोस के अंदर हम ऐड कर सकें। दोस्तों, नीचे दिया गया शेयर का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।